भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कंट्रोवर्सी के लिए अपनी आप की खूब बदनामी करवाते हैं और उनमें से नाम है दीपक कलाल का भी। इंडियाज गॉट टैलेंट के शो पर इन्होंने अपना करतब दिखाया। यहाँ पर करतब से ज्यादा तो इन्होंने ये दिखा दिया कि इंसान किस हद तक गिर जाता है खुद को एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए। आज खुद को सेलिब्रिटी मानने वाले दीपक कलाल इस तरह की वीडियोस के साथ सामने आने लगे हैं कि उनके ऊपर हर कोई यहाँ पर इस तरह से जवाब देता है कि क्या इंसान को शर्म नहीं आती। हाल ही में वायरल हो रही है एक और दीपक कलाल की वीडियो जिसमें वो फिर से पिटते हुए नजर आए हैं। दीपक कलाल अक्सर ही अपने कुछ ऐसे ही वीडियोस को लेकर सामने आते हैं जहां पब्लिक उन्हें पीट देती है। इस बार जो उनके पिटने का वीडियो सामने आया वो दिल्ली मेट्रो का है। दिल्ली मेट्रो में वो ट्रैवल कर रहे थे जहां वो अकेले थे। अब खुद को सेलिब्रिटी कहने वाले दीपक कलाल इस तरह से अकेले मेट्रो में ट्रैवल एक पब्लिक एरिया में तो कर नहीं सकते। तो वही यहाँ जब दीपक कलाल को देखा गया तो लोग उन्हें देखकर हैरान हुए। एक लड़की सामने आई और दीपक कलाल से हेलो करने लगी। उस लड़की ने कहा हेलो सर और दीपक कलाल से उन्होंने सेल्फी की डिमांड कर दी। दीपक कलाल से जब उन्होंने इस बात की डिमांड की ये तो फुटेज में सामने नहीं आ पाया है। फुटेज जहां से शुरू होती है वहां दीपक कलाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या आपको शर्म नहीं आती मेरे बिना परमिशन के आप मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। दीपक कलाल का ये बात कहने का जो तरीका था बहुत ही ज्यादा बुरा था। वो इस बात को शांत तरीके से भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने जो अपनी टोन रखी थी वो इस तरह की थी कि पूरी दिल्ली मेट्रो इस बात को सुन ले। वहां खड़े हुए लोग भी इस बात को पूरी तरह से देख रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। दीपक कलाल जब उस लड़की पर भड़कने लगे वो लड़की बोलने लगी कि सर मैं सेल्फी के लिए आई हूं और दीपक का रवैया देखकर उस लड़की का भी रवैया जब बदल गया तो लोग भी सामने आकर खड़े हो गए। यहां पर दीपक कलाल से ही पूछा गया बोला गया कि भाई आखिर माजरा क्या है, तो इस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इतनी बुरी तरीके से लड़की पर क्यों चिल्ला रहे हो। दीपक कलाल यहां बोलने लगे मैं सेलिब्रिटी हूं मेरे साथ इस तरह की हरकतें कोई आखिर कैसे कर सकता है, मेरे साथ आकर मेरी बिना परमिशन के सेल्फी मेरे साथ आखिर कौन कैसे ले सकता है। वहां कुछ खड़े हुए लोग कहते हुए नजर आए दीपक कलाल को कि लड़की सेल्फी ही ले रही थी, आप उसे मना कर सकते थे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है, वीडियो में आप भी देख पाएंगे कि किस तरह की हरकतें यहां करते हुए दीपक कलाल नजर आए हैं। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा कि लोग जब उस दीपक कलाल और लड़की से बात कर रहे थे तो कुछ लोगों का यहाँ पर सवाल तो ये भी था उस लड़की के साथ कि ये लड़की को पूछते हुए नजर आए कि ये शख्स है कौन, किसके साथ आप सेल्फी लेने के लिए आई है। कोई शख्स वहां पर ऐसा था जो जानता था दीपक कलाल को, वो लड़की भी जानती थी लेकिन तमाम जनता ऐसी थी जो दीपक कलाल को जानती ही नहीं थी और जो जानते थे वो दीपक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। यहाँ एक दो शख्स उनका कॉलर पकड़कर भी उन्हें धक्का मारते हुए नजर आए, गाली देते हुए दीपक कलाल को दिखाई दिए। वेल देखा जाए तो वीडियो में ज्यादातर जो भी चीजें नजर आई हैं वो गलत ही है। दीपक कलाल का लड़की पर इस तरह से चिल्लाना, खुद को सेलिब्रिटी कहकर यहाँ पर सभी के सामने शोर मचाना, तो वहीं इसी के साथ साथ उन लोगों का दीपक कलाल और लड़की के बीच के इस सिचुएशन में गलत तरीके से रिएक्ट कर देना, दीपक कलाल को गाली देकर उनका कॉलर पकड़कर उन्हें ये कहना चल बे चल यहाँ से दफा हो जा मेट्रो में दिखाई मती हो, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हर कोई यहाँ पर अपनी तरफ से सही तरीके से सिचुएशन को संभालता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।